हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम. वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट. और मैं एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आई हूँ आज आपके लिए. तो भाई, जितने भी बच्चे नीट 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए कि एनटीए ने ऑफिशियली नीट 2024 की डेट अनाउंस कर दी है. और आपका एग्जाम होने वाला है 5th ऑफ मई, यानी फर्स्ट संडे ऑफ मई को, जैसे कि हमेशा होता था कोविड के पहले और लास्ट ईयर भी हुआ था. तो कैसे आपको पता करना है कि ये ऑफिशियल न्यूज आई है, भाई आपको एक बार जरूर से खुद से ये चेक कर लेना चाहिए. मैं आपको अभी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रही हूँ, जिससे आप कोई भी ऑफिशियल ऐसी चीजें पता कर सकते हैं. अगर एनटीए कोई भी ऑफिशियल नीट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा रिलीज करता है तो डॉक्यूमेंट है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना है. अब भाई, एनटीए की दो वेबसाइट है. एक एनटीए की कॉमन वेबसाइट है, जहां पर वो कॉमन सारी चीजें बताता है. दूसरी एनटीए की वेबसाइट है नीट से रिलेटेड. ये जो इंफॉर्मेशन है वो NTA.in पर आई है. याद रखना, इस वेबसाइट का नाम मैं अभी यहां पर लिख दे रही हूं, है ना. इस वेबसाइट का नाम है NTA.account.in, है ना. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको NTA.ac.in पर जाना है. और वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखेगा. ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं. यहाँ पर आपको ऊपर अबाउट अस, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जैसी चीजें दिख रही हैं. आप इसमें अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट एट एनटीए दिखाई दे रहा है ना. क्या दिखाई दे रहा है, लेटेस्ट एट एनटीए. आपको इस लेटेस्ट एट एनटीए में जाना है. और यहाँ पर एनटीए ने पूरे साल का, पूरे 2024 में जितने भी वो एग्जाम्स कंडक्ट करता है, उसका एकेडमिक कैलेंडर रिलीज कर दिया है. तो आपको यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर देखना है ना, कि एकेडमिक कैलेंडर फॉर ईयर 2024. और जैसे ही आप उस एकेडमिक कैलेंडर पे आगे रीड मोर लिखा है, जैसे यहाँ पर आपको हर जगह रीड मोर लिखा हुआ दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप इस जगह पर लैंड करेंगे. ध्यान से देख लीजिए इसको, है ना, ये रहा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिलीजेज एग्जामिनेशन कैलेंडर. तो पूरा 2024 का जो एकेडमिक एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो उन्होंने रिलीज कर दिया है. यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में मेंशनड है, जैसे कि जेई का मेन कब होगा, तो दो बार होता है, तो दो बार कब होगा, सेशन 1 सेशन 2. उन्होंने बोला है भाई, पहला होगा 24 जनवरी, यानी 24th ऑफ जनवरी से 1st फरवरी के बीच में, और दूसरा अप्रैल में होता है, 1st अप्रैल से 15th अप्रैल के बीच में. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीट यूजी 2024 की डेट उन्होंने बता दी. उन्होंने ये भी बता दिया कि आपका एग्जाम इस बार भी पेन और पेपर मोड में ही होना है, ओएमआर शीट ही भरनी है, और एग्जाम है 5th ऑफ मई 2024. तो यूजुअली 1st संडे ऑफ मई को एग्जाम होता था, इस बार भी तभी हो रहा है. इसके बाद जो बच्चे क्यूएट देना चाहते हैं, है ना, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ये क्या है, आपको आगे बीएससी करनी है अगर, है ना, नीट के अलावा अगर आप सोच रहे हैं, तो क्यूएट यूजी आपके लिए काम का है. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. कब है, 15 मई से 31 मई के बीच में होगा. तो जहां पर उन्होंने एक रेंज दी है, वहां पर बहुत सारे दिन में एग्जाम होता है, लेकिन नीट के लिए, नीट यूजी के लिए कंफर्म्ड डेट बता दी गई है, जो कि क्या है, 5 मई है. यानी कि हमारे पास अब जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है. हमें क्या टारगेट करना है, अब हमें ये टारगेट करना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर करें अच्छे से, और हम 700+ के टारगेट को अचीव करने पर फोकस कर दें. तो अगर अभी तक आप थोड़ी भी लापरवाही कर रहे थे आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आपको अब वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए. आपको सही तरीके से टाइम टेबल बना लेना चाहिए. अभी से डेली के टारगेट सेट करो, और डेली आपको 6 to 8 आवर्स का स्टडी टाइम लगाना ही पड़ेगा. अब से नहीं तो आप नीट के एग्जाम में पीछे होते जाओगे. तो अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है, तो यही सही टाइम है नीट 2024 एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, तो उस पर फोकस करने का, स्टडी स्केड्यूल बनाकर, टारगेट सेट करके, जो है 700+ के टारगेट को अचीव करने का, और एम्स जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में जाने का. अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले तो इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर से अपकमिंग सेशंस के रिमाइंडर सेट करो. डेली लाइव क्लासेस चल रहे हैं नीट 2024 के लिए, और हमारे साथ जरूर से सिलेबस कवर करते जाओ. हम एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे, वो भी अनाउंस करेंगे. उस अनाउंसमेंट के लिए भी आपको चैनल पर डेली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी. तो आई विल सी यू अगेन इन लाइव क्लासेस. टिल देन टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.